हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड को डिस्कस करेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड आफ टू यूजेस टू लोकेट वेयर शुड द फैसिलिटी टू बी लोकेटेड टू मिनिमाइज द कॉस्ट। मतलब इधर इस मेथड से हम किधर कोई फैसिलिटी को लोकेशन करेंगे कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, वो हमें पता चलता है कि बहुत ही एक इफेक्टिव मेथड है। इट्स अगेन अ मेथड ऑफ SCM, OSCM, ऑपरेशंस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फैसिलिटी लोकेशन में ये आता है, तो काफ़ी इफेक्टिव मेथड है। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है कि जो एक रिलेटिव मेथड है, मतलब ये डिपेंड करेगा कुछ चीज़ों पे, कहाँ किधर किधर इस मतलब इस ये जो लोकेशन होगा इससे किधर किधर क्वांटिटी जाएगा, मतलब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट किधर किधर से इसके पास आएगा, और उनका कोऑर्डिनेशन किया कोऑर्डिनेटर किया है। ये दो चीज़ें हमें जानना पड़ेगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव है लोकेटेज, तो इसका स्टेप्स है कि तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू मिनिमाइज द कॉस्ट, मिनिमाइज द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और कॉस्ट, और इसका स्टेप्स है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय दिस मैटर। तो स्टेप्स टू फॉलो इज लोकेट ईच फैसिलिटी ऑन द एक्स वाई प्लॉट। तो उधर पे कुछ प्लॉट का मतलब कुछ फैसिलिटी का यू नो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो उन कोऑर्डिनेट्स को हमें एक्स वाई में प्लॉट करना होगा, और फाइंड द न्यू फैसिलिटी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ न्यू फैसिलिटी बाय, मतलब जो न्यू फैसिलिटी होगा उसका कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फार्मूला है। ये फार्मूला मैं वर्ड सॉरी पेंट में लिख रखा है, क्योंकि ये है, ये फार्मूला है। तो इस फॉर्मूला को जानने से पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो कैसे, हाउ कैन वी सो व्हाट इज़ द बेस्ट सिचुएशन और व्हाट इज़ द सिनेरियो, व्हाट इज़ द रिक्विजिट, नॉट बेस्ट, व्हाट इज़ द रिक्विजिट सिनेरियो वेयर वी कैन अप्लाई दिस मेथड। सो दिस इज़ द रिक्विजिट सिनेरियो वेयर क्वांटिटी इज गिवेन एंड कोऑर्डिनेटर इज गिवेन एंड द प्लेस इज गिवेन। सो सपोज द प्लेस इज मुंबई, क्वांटिटी इज 1500, कोऑर्डिनेटर इज 15,30। सो मुंबई का कोऑर्डिनेटर है 15,30। सो नथिंग इज परफेक्ट हेयर, एवरी थिंग इज हाइपोथेटिकल, सो डोंट नीड टू बी टू जजमेंट हेयर। नाउ द सपोज देयर इज अनदर फैसिलिटी, सो देयर इज अनदर लोकेशन नेमली बैंगलोर, जिससे क्वांटिटी आएगा 1200 और कोऑर्डिनेटर होगा 20,32। और एक प्लेस है जिसका कोलकाता सपोज, तो उससे क्वांटिटी आएगा 2000 और कोऑर्डिनेटर आएगा 20,36। तो हमें तो ये तीन जगह में प्रोडक्ट तैयार होती है, मतलब ये तीन जगह में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती है। तो हमें किधर पे एक फैसिलिटी रखना होगा, मतलब किधर पे शॉप रखना होगा, ताकि ये जो प्रोडक्ट लेने मतलब प्रोडक्ट प्रोडक्ट का जो लेने जाने का खर्चा होता है वो कम से कम हो। तो इसको जानने के लिए हम ग्रेविटी मेथड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड को यूज़ करेंगे। तो हमें एक प्लेस फाइंड आउट करना होगा। सो आई एम जस्ट यू नो डूइंग समथिंग हेयर, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, सो आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग, सो आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट अ कॉलम, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट इंसर्टिंग, ओके व्हाट एवर। सो आई एम जस्ट इंसर्ट अ शेप। तो हमें एक ये लोकेट करना होगा, उसको क्या कहते हैं, रिटेल शॉप लोकेट करना होगा डी, जिससे सारे के सारे क्वांटिटी डी में आएगा। तो उसका कोऑर्डिनेटर फाइंड करेंगे हम। कोऑर्डिनेटर से हमें क्या पता चलता है, कोऑर्डिनेटर से हमें पता चलता है कि कोई भी दो प्लेसेस के अंदर डिस्टेंस क्या है। तो हम उससे एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना सकते हैं कि ए से अगर डी का डिस्टेंस मतलब 52 किलोमीटर है, और तो यू नो किधर वो फैसिलिटी लोकेट होगा, तो वो सब अच्छी से आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रोइड मेथड। सो बहुत ही ईजी है। तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट करना होगा कि ये जो कोऑर्डिनेटर्स है इसको हमें प्लॉट करना होगा। तो हम प्लॉट करेंगे किस में, पेंट में प्लॉट करेंगे। तो इसको मैं हटाता हूँ, नोट से पेंट में प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए सॉरी, वाओ दिस इज वेरी नाइस, एंड
इज ऑल्सो वेरी नाइस. ओके सो ये एज आई ऑलवेज डू सो दिस एंड दिस. वाओ किधर था, इधर. हाँ नाउ 15,30 सो एवरीथिंग इज हाइपोथेटिकल. ओके सो 15,30 सो लेट्स सपोज दिस इज 15 एंड दिस इज 30 सो दिस इज 15,30. नाउ 20,32 सो अगर ये 15 हो तो ये 20 होगा और ये 32 होगा, ये 32 होगा. सो एवरीथिंग इज हाइपोथेटिकल. देन 30,36 सेकेंड में कितना था 20, 30 थोड़ा ज़्यादा होगा, ये होगा 30,36 ये होगा. सो लेट्स गिव अ नेम, ये कहा गया ये ए बी सी. ओके तो ये बी सी नाम दे दिया हमने. अब हमें क्या करना होगा, बस इतना ही काम है. अब हमें डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा उस फॉर्मूले से. तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत ही आसान है. 15 को 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे और 30 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको सम करेंगे, डिवाइड बाय क्वांटिटी को सम करेंगे 1500, 1200, 2000, बस इतना ही. तो चलिए करते हैं कैलकुलेटर. सो फर्स्ट आई ओपन द ब्रैकेट. सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 1500 ओके प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 1200 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 2000 ओके ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय ब्रैकेट ओपन 1500 1200 2000 व्हाट हैपेंड. हाँ या एवरीथिंग इज ओके 22.65. सो फर्स्ट कोऑर्डिनेटर इज 22.65. सो वेयर वाज आई या 22. सो ये था 15 तो ये था आप 15 30. तो एक्स का होगा 22 मतलब 15 से ज़्यादा 20 से ज़्यादा 20 से ज़्यादा होगा मतलब सेकेंड से ज़्यादा होगा. सो एवरीथिंग इज हाइपोथेटिकल. सो इधर होगा ओके तो मैं इधर पे छोटा एक सो इधर होगा 22 ओके. नाउ व्हाट इज नाउ द सेकंड थिंग इज 30. सो फर्स्ट आई विल ओपन द ब्रैकेट. जीरो से मल्टीप्लाई दिखा रहा है वाई या अपन. सो 13 into 1500 प्लस 32 into 1200 प्लस 36 into 2000 ओके डिवाइड बाय ओके 1500 1200 2000 1500 1200 2000 या 33.06. सो 33.06 कहाँ होगा तो इधर पे. हाँ सो बी का कोऑर्डिनेट कितना था, बी का कोऑर्डिनेट था 32 कितना आया 33 मतलब एकदम पास में ही होगा नो प्रॉब्लम. तो इधर पे होगा ओके सो इधर पे होगा हमारा फैसिलिटी लोकेशन. तो हम इधर पे दे देते हैं. सो आई सेड दैट एवरीथिंग इज हाइपोथेटिकल हियर. यू कैन डू इट इन ग्राफ पेपर ऑल्सो. हाँ ग्राफ पेपर से अलग है, यू कैन डू इट ग्राफ पेपर. सो या सो दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओके. सो इफ यू नो बिल्ड एनी रिटेल शॉप और वाट एवर सो द कॉस्ट वुड बी मिनिमाइज ओके. नाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन 2D प्लेन एज वी नो दैट y2 - y1 इसका होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 इसका होल स्क्वायर इसका रूट, इसका पूरा का पूरा रूट लेना पड़ेगा. तो वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड दिस नेमली दिस प्लेस इज डी ओके. सो दिस इज डी.
we can find any distance of two, any distance between any two points. So yeah, so we are done with this method, this centroid method. So thank you. Bye bye.